कर रहे हैं ये बेसिकली मैं सिक्सटी टू बता देता हूँ, उसके बाद सीओ साहब बताएंगे। आज जो अपन कर रहे हैं 2011 की जो जनगणना और उसके आधार पे अपन लॉटरी कर रहे हैं वार्डों का, परिसीमन का जो प्रोसेस की गई है उसके बारे में सीओ साहब। पहले छोड़ो सबका, इधर आओ, पहले आ जाओ। उस यूनिट को लेकर के वार्डों का निर्धारण किया गया है 2011 से लेकर के अब तक, क्योंकि जनसंख्या 2020 है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए वोटर की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, वोटर इसका आधार नहीं है। 2011 की जनसंख्या है इसमें मेरा ये कहना है, जैसे वार्ड 80 और 84 सामान्य, वार्ड 66 और 67, इनमें जो लाइनें मानी गई उनको काल्पनिक माना गया था। क्या काल्पनिक लाइनों के आधार पर ईबी कैसे भर सकते हैं कि भाई ये लाइन काल्पनिक मान ली उसमें ईबी भरती, उससे आधार पर आरक्षण प्रभावित नहीं होगा क्या? और उसी के कारण कोई वार्ड 5,000 का हो गया वोटर्स में जाकर, कोई वार्ड 13,000 का हो गया, तो जो सरकार की मंशा थी और निर्वाचन आयोग की जो ड्यूटी थी कि प्रोपोर्शनल रेशियो वार्ड बनना चाहिए वो नहीं बनता, तो काल्पनिक रेखा पर वार्ड का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? निस्तारण किया गया था, पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके बाद वार्डो का फाइनल नोटिफिकेशन कर दिया गया। अब आज क्योंकि वार्डो का आरक्षण होना है, तो आरक्षण के समय हम वार्डो का जो गठन हुआ है उस पर अब चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। आज हम केवल कलेक्टर साहब का जो रोल है वो केवल वार्डो के आरक्षण तक है। कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी की तो वो जो वोटर लिस्ट जो आपने काल्पनिक रेखा के आधार पर जो ईवी भरी है, मेरा कहना है कि उन ईवीज के आधार पर जो आपने वार्ड बना दिए और हमने ऑब्जेक्शन भेज दिया, क्या उनको वापस कलेक्टर साहब आप ठीक करवाएंगे क्या? एक तो ये, दूसरा जो आपने जो ये जो सेंटर्स बनाए वो तो चलो बाद में हम आपसे कर लेंगे बात, लेकिन जो वार्डों की जो गड़बड़ियां हुई है ईवी में वो उसको यदि अभी भी कहीं कोई ऑब्जेक्शनेबल है, कोई यदि काल्पनिक रेखा के आधार पर है तो उसको ठीक करवाएंगे क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि आज जो अपन कर रहे हैं प्रोसेस, ये तो अपन लॉटरी निकालने का कर रहे हैं, जो आप बता रहे हो ईबी वाला इश्यू है तो आप एक बार बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, आप ठीक करने के आपके अधिकार में है तो उसको आप ठीक करवा देंगे, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसमें कई वार्डो में तो 13,000 की जनसंख्या है और कई वार्ड में 9,000 की जनसंख्या है, तो इसका क्या आधार रहा? ये कम से कम ये बराबर होना चाहिए 9,000 और 13,000। वार्ड नंबर 110 12,998 यानी 13,000 होगी, और ये आपके वार्ड नंबर 80 में 9,353 है, तो इसका क्या आधार रहा? बेसिकली कोई भी परिसीमन करते हैं तो उसमें परिसीमन की प्रक्रिया जैसे गवर्नमेंट ने निर्धारित की होगी, परिसीमन इस बार परिसीमन का काम नगर निगम के द्वारा किया गया, इतना मतलब ये यानी अंतर यानी 3,000 का 500,000 का तो अंतर समझ में आता है, और आप ये देखिए कि 13,000 और 9,000 4,000 का अंतर, ये कोई राजनीतिक दबाव तो बता दो ना, ये जो ग्रेटर हेरिटेज है सर, उसकी 2011 की आबादी 17,01,359 है सर, और 150 वार्ड बने हैं, तो एवरेज पॉपुलेशन जो आई है आपका 150 वार्ड बने हैं, ओके सर, या तो 10,000 रुपए बनती या 11,000 रुपए बनती, एक बार 13,000 का रेट 9,000 का सर, वही निवेदन कर रहा हूँ सर, जो 17,01,359 की कुल आबादी है सर ग्रेटर की 2011 पॉपुलेशन बेसिस पे, और 150 वार्ड बनने हैं सर, जिसका एवरेज है 11,342 सर, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन जो वार्ड की है ग्रेटर की 11,342 है, इसका 20% प्लस और 20% माइनस तक 10% का फर्स्ट सर्कुलर आया था, उसके बाद गवर्नमेंट को रिलैक्स किया कि आवश्यकता अनुसार मौके पे नहीं, वो तो आपने ये भी कर दिया कि जो अमीन कागजी साहब का वार्ड है वो उसको छोटा कर दो और जो लाहौटी जी का वार्ड है उसको बड़ा कर दो,
वो तो ये किया है क्या, ये बता दो ये ईबी के बेसिस पे किया है सर? राजनीतिक लाइन ने तो खींची है ना सर, ईबी के जैसे बापू नगर को बावन से लेकर एक कॉलोनी एक थाना और बापू नगर बाद में दो हिस्सों बांट दिया। अजमेर नगर एग्जैक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया सर। वार्ड पहले 90 बनती है, 250 बन गए हैं तो वार्ड अजमेर रोड के दो वार्ड में मैंने ऑब्जेक्शन भेजा, कलेक्टर आप चेक कर लें। अजमेर रोड के दो वार्डों में दोनों को क्रॉस करवाया है, तो मैंने कहा नेशनल हाईवे दोनों में क्रॉस क्यों करा रहे हो, एक वार्ड एक तरफ का बना दो, एक वार्ड एक तरफ का बना दो, पर उसमें कुछ राजनीतिक दिक्कतें आ रही थी इसलिए दोनों तरफ अजमेर रोड को क्रॉस करा दिया, टोंक रोड को दोनों तरफ से क्रॉस करा दिया। और आप कह रहे हो हमने ठीक किया है, हमारी ये इतनी एवरेज आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है, तो वोटर बता दो ना, बिल्कुल ही सामने आ जाएगा। कोई वार्ड 4,500 का बना है, कोई वार्ड 11,000-12,000 वोटर्स का बना है, ये कौन सा परिसीमन है ये तो बताओ। ये अधिकारी सुनो, कलेक्टर मेरी बात सुनो, आपके अधिकारियों को समझाओ, उनको भी उसको हमने फोन किए तो हमको ये कहा कि साहब हमको क्या ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना वो हमारी नहीं हो जाए, इसलिए हमें तो जो आदेश जो दे रहे हैं उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये यदि परिसीमन है फिर लॉटरी में भी काय को बुलाते हो आप करके कागज भेज देना घर पे, बापू नगर कॉलोनी आप भी जानते हो एक ही थाना है और बापू नगर को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, आधा हिस्सा एक तरफ आधा हिस्सा एक तरफ। और ये हमें जानकारी मिली कि जो हमारे कांग्रेस की उम्मीदवार थी हमारे सामने उसके कहने से किया है कि क्या है, आप तो जनता इस में खूब चाय पिए हो आपको पता है, राजेंद्र मार को डिवाइड कर दिया क्या है मतलब अभी तो हम लॉटरी कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ये है सर कि अभी क्योंकि वार्ड परिसीमन पर चर्चा नहीं करते, केवल लॉटरी का इश्यू जो उस पर जोर कर लेते हैं। आपने आज बुलाया था सर, आज परिसीमन के लिए नहीं बुलाया सर, आज क्या चाहिए था जब आपकी एक प्रतिक्रिया निर्धारित की हुई है सर, उस प्रतिक्रिया में अपनी का प्रावधान है तो फिर अपनी भी की जा सकती है। सिंह साहब बात सुनिए सर, परिसीमन जब आपने किया उस समय आपको जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, आपने नहीं बुलाया, आपने अपने हिसाब से कर दिया परिसीमन। नंबर एक ये जनरल लॉटरी नहीं है, इस बार की लॉटरी जो है वो आपको जनसंख्या के अनुपात में आप वोटों का रिजर्वेशन कर रहे हैं इसलिए उसका पीछे आज भी जुड़ा हुआ है, वो लॉटरी आज निकल रही है जनसंख्या के रिजर्वेशन पर। दूसरा कि ये लाइनें खींचने के बाद में भी जब वोटर लिस्ट भरे गए उस समय में भारी गड़बड़ियां की गई है, उस समय मर्जी आई थी वोटर्स को उठाकर दूसरे वार्ड में दे दिया, इधर के वार्ड के इधर दे दिए, लाइनों के बावजूद भी आपका काम होने के बावजूद भी जो बीएलओ ने गड़बड़ी करी है वो उसके बाद के लिए दोनों विषय हाथ से जुड़े हुए। नहीं, वोटर लिस्ट में अगर कोई इश्यू है तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी जो क्लियरेंस ऑब्जेक्शन का एक तो टाइम था, अभी भी हमारी फाइनल पब्लिकेशन कल होगा उसके बाद भी टाइम है, आप दे सकते हैं। चलिए करिए जो करना है। हाँ, आप डालिए, दोबारा निकाल लीजिए, एक बार दोबारा डाल। अरे भैया हेलो, भैया।